नमस्कार, स्वागत है एपीएन लाइव 24 में। मैं हूं विलियम तना तारा, एपीएन लाइव का संवाददाता। अभी मैं आप पहुंचा हूं फिलहाल गोपुर टू जो हाजूका रोड का बीचों बीच में मैं हूं। और जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि यहां का जो रोड का जो कंडीशन है ये काफ़ी ख़राब है। और लोगों का कहना है कि हाँ 2012 से ही ये रोड का जो हाल है वो ये हाल है। और जो लोगों का बहुत लोगों का कंप्लेन भी है, यहाँ पे जो है प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने का कारण से ये रोड का जो कंडीशन डे बाय डे काफ़ी ख़राब होते जा रहा है। और काफ़ी लोग जो यहाँ से जब कॉलेजेस जब जाते हैं ट्रैवल करके और या तो फिर जू जाते हैं तो काफ़ी परेशान होते हैं ये रोड का वजह से। तो काफ़ी लोग जो है यहाँ से जब गंगा लेक जब गुजरते हैं तो काफ़ी परेशान होते हैं कि ये रोड का वजह से। और जो काफ़ी लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द ये रोड को जो है मेंटेनेंस कर देने से ठीक है। ये तो मैं यहाँ का कमिटेटर हूँ, यहाँ डेली आना जाना करते, यहाँ तकलीफ बहुत तकलीफ है स्पेशल बारिश सीजन में। अभी तो ऐसे वर्किंग सीजन नहीं है, लेकिन अभी जो कल फेसबुक में देखा था ऑनरेबल पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर 68 कुछ किलोमीटर सीसी पेमेंट और आधा जो ब्लैक टॉपिंग करेगा बोल के अनाउंस किया है। आई होप दिस कमिंग वर्किंग सीजन में अक्टूबर नवम्बर को ठीक होना चाहिए। मैं स्टेट गवर्नमेंट से वही मैं हम लोग जो पब्लिक को बहुत तकलीफ मिल रहा है ये रोड के लिए। यहाँ बहुत दिक्कत तो बहुत होता है क्योंकि गाड़ी छोटा गाड़ी बोलो या बड़ा गाड़ी बोलो जाने के लिए तो बहुत दिक्कत होता है। तो ऐसे बारिश का ज़्यादातर बारिश का सीजन में बहुत प्रॉब्लम होता है पब्लिक को आने जाने में। तो मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस रास्ता को ठीक करने से अच्छा रहेगा ताकि पब्लिक को परेशान ना हो। मेरा तरफ से कहना है ये तो बहुत दिन से ख़राब हो गया बेटा है क्योंकि इसमें जो देखने से अब प्रॉपर ड्रेन नहीं है। ड्रेन का वजह से इसको प्रॉपर अगर ड्रेन दोनों साइड अगर ड्रेन कर देता ये हाल नहीं होता है। तो इसलिए इसको गवर्नमेंट जो यहाँ का जो लीडर्स है उसको ध्यान देना चाहिए क्योंकि सामने में मेरा सेक्रेटरी जितना टॉप ऑफिसर यहाँ बैठा हुआ है। तो इसलिए हमारा ये चिड़ियाखाना है तो इसके लिए हम लोग ये पब्लिक बहुत प्रॉब्लम में पेश कर रहा है क्यों गाड़ी जाएगा हमेशा आप पानी में अंदर में डूब के जाता है। तो इसको मेरा अपील है, गवर्नमेंट से भी अपील है इस रोड को क्योंकि एक टूरिज्म एरिया भी है, यहाँ में हमारा गंगा लेक भी है, यह टूरिज्म हमेशा विजिट करता है, चिड़ियाखाना है, दिस इज इम्पोर्टेंट प्लेस। ये रोड बहुत इम्पोर्टेंट ये है जी का। तो मेरा पब्लिक का तरफ से मेरा अपील है गवर्नमेंट से आप इसको प्रॉपर ड्रेन बनाने से इधर में पानी को भी जमा नहीं होगा। थैंक यू आपका जो चैनल के मैं आज तरफ से ये गवर्नमेंट को अपील कर रहा है या अथॉरिटी को अपील कर रहा है इसको जल्द से जल्द बनाने से ठीक रहेगा। मेरा नाम है तामे अबू और ये हम ये लोअर विलेज का है। तो हम एज ए यूथ हम यहाँ में ये ओल लोअर बात बेदी बता आपका तीन ये जुरिडिक्शन होता है तो उसका हम कन्वेनर भी है अल्बिया का, उसको हम अल्बिया बोलते हैं ओल लोअर बात बेदी बता यूथ एसोसिएशन। तो इसको भी हम लोग बहुत पहले भी हम लोग मोमेंडम जिला सर के साथ हम लोग मोमेंडम
ये सबमिट करेगा सोचा था, लेकिन ये जो है कि इसका कुछ अभी हाईवे आ रहा है ऐसे सुना था, लेकिन हम लोग को फिर ये उसके लिए रोक यूथ लोग को रुका दिया कि अभी हाईवे आ रहा है उसको बोलने ही बोलने से ठीक है। तो इतना साल से देख रहे हाईवे के लिए रुक रहे रास्ता खराब होते जा रहा है, और अब यह हमें देख सकते हैं कि ये रास्ता स्वरूप नहीं है। अब यहाँ से अब गोपुर से अब उधर बाद बस्ती इसके बाद पोमा तक भी चला जाइए, रास्ता सेम का सेम कंडीशन होगा। ऐसे बिंग हम लोग यहाँ में कैपिटल में बेच रहे हैं, लेकिन ऐसे रास्ता कुछ ठीक नहीं है। अब कुछ भी देख सकते हैं, रास्ता ये कैपिटल का बीचों बीच में हम लोग बेच रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी भी लग रहा है कि हम लोग अभी बस्ती में है ना, बस्ती में है। तो हर कोई जैसे कि यहाँ में कोई मेडिकल इमरजेंसी होता है, जैसे कि हम लोग का तो थोड़ा ये आसपास का थोड़ा भी ठीक है ना। आप पोमा का देख लीजिए, पोमा इसके अंदर अंदर बस्ती का देख लीजिए, ये रास्ता इतना कंडीशन, अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी कुछ हो गया तो एम्बुलेंस भी 3-4 घंटा में भी पोमा नहीं पहुँचेगा, आपका करीबन 6 घंटा तो लग जाएगा। रास्ता कंडीशन ऐसे है, और इवन कोई प्रेगनेंट औरत अगर कोई हो गया वो तो बीचों बीच रास्ता में दम तोड़ देगा। तो हम लोग का ये स्टेट गवर्नमेंट से हम यही दरख्वास्त है कि अब जल्द से जल्द हम लोग का ये हाईवे को सिर्फ नहीं रुक हाईवे को रुकने से सिर्फ नहीं होगा ना, अब थोड़ा इसको भी ये रास्ता लोग को भी लेके अब थोड़ा मेंटेनेंस करने से भी ठीक है। आप हाईवे तो आप बाद में कीजिएगा, लेकिन पहले ये जो ये रास्ता सबका है मेंटेनेंस है, और ये हम लोग का जितना भी है यहाँ में हम लोग का ये वार्ड नंबर 1 का हम कोऑपरेटर से भी हम ये दरख्वास्त है कि एटलीस्ट थोड़ा ये इमरजेंसी आपका म्यूनिसिपल एरिया में जो जितना भी आते हैं उसको एटलीस्ट आप मेंटेन करने से ठीक है। और बाकी बात तो रोड कंडीशन तो हम क्या बोलेगा, हम लोग का यूथ लोग भी पिछले बार हम लोग का यूथ लोग भी ये किया था, सोशल सर्विस किया था, लेकिन भी रास्ता इतिहास से लेके इतना तक इतना ये ज़्यादा ख़राब है, उसको यूथ अकेला भी नहीं सकते, और हम लोग का हम लोग को भी सपोर्ट कीजिए ना। और हम लोग का ये पब्लिक भी हम लोग का ये 3 ज्यूरिडिक्शन भी हम लोग का पब्लिक भी यहाँ में ये वर्क सोशल सर्विस करते रहते हैं, तो वहाँ में भी कोऑपरेट कीजिएगा। लेकिन मेरा तो यही कंसर्न है कि आप स्टेट गवर्नमेंट आप जल्दी से जल्दी देखने से ठीक है ये रास्ता को। थैंक यू।